नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है हमारे पास TBS की मोस्ट पॉपुलर बाइक, जिसे TBS ने रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि है TBS राइडर 125 BS6 मॉडल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बाइक के कुछ अच्छाइयों और कुछ कमियों के बारे में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर किसी बाइक में कुछ अच्छाइयां होती हैं तो थोड़ी बहुत कुछ कमियां भी होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके कुछ अच्छाइयों और कुछ कमियों की बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस बाइक को लेने वाले हैं और आप लोग कंफ्यूज हैं कि इस बाइक को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक आप लोग को इस बाइक को लेके जो डाउट है ना, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़ा बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे आने वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और दोस्तों बता दें, इसके जितने कलर वेरियंट आते हैं ना, उन सभी कलर वेरियंट का मैंने अलग अलग करके इसका फुल रिव्यू कर रखा है और इसके कुछ बाइकों से कंपेयर भी कर रखे हैं। तो अगर आपको उन कलर वेरिएंट की वीडियो देखनी है और इसके कंपेयर की वीडियो देखनी है, तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां चाहेंगे तो उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके सबसे पहले एडवांटेज की, तो वो है इस बाइक का लुक। क्योंकि इस सेगमेंट की जो अदर बाइक आती है ना, उससे अगर हम इस बाइक की तुलना करें तो इसका जो लुक है ना, वो काफी स्पोर्टी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पल्सर 125 की, तो उसका जो लुक है ना, वही ओल्ड मॉडल देखने को मिलता है। उसमें आपको कई सालों से कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें होंडा के SP125 की, तो उसका जो लुक है वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। लेकिन उसका जो लुक देखने को मिलेगा ना, वो आपको डेली कम्यूटर बाइक वाला देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें TBS राइडर 125 की, तो ये बिल्कुल नए लुक के साथ आती है और इसका जो लुक देखने को मिलता है ना, वो आपको स्पोर्टी लुक देखने को मिलती है। और देखने में ये अपाची 164V की थोड़ी सी इसमें आपको झलक देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे काफी अच्छी लगती है। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से इस बाइक एक पहला एडवांटेज देखने को मिलती है। तो इसमें आपको जो पहला एडवांटेज देखने को मिल रहा है, वो है इस बाइक का लुक। तो दोस्तों आप लोग को इस बाइक का लुक कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो इस बाइक का लुक काफी बेहतरीन लगता है। आप लोग को इसका लुक कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं बात करें अच्छे चीज के बारे में, जो कि मुझे इस बाइक में लगती है, वो है इसका फीचर्स। क्योंकि जो TBS राइडर 125 आती है ना, इस सेगमेंट की सबसे अच्छी फीचर्स देती है और ये सारे फीचर्स आपको किसी और बाइक में देखने को नहीं मिलती है। स्टार्टिंग करते हैं इसके सबसे पहले अच्छे फीचर्स से। तो इसमें आपको जो हेडलैम्प मिलता है ना, वो आपको काफी अच्छी और काफी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। इसमें आपको फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी आपको रोशनी देखने को देने वाली है। और इसका जो हेडलैम्प है ना, इसमें आपको LED DRL देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रंट से लुक को इसके और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। तो अगर आप इस बाइक को नाइट में राइड करते हैं, तो इसमें आपको जो रोशनी देखने को मिलेगी, जो विजिबिलिटी देखने को मिलती है ना, वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है, जो कि मुझे इस बाइक का एक अच्छी फीचर्स लगती है। तो दोस्तों आप लोग को इसका हेडलैम्प कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं अगर हम बात करें इसके टेल लैम्प के बारे में, तो इसका जो टेल लैम्प आप देख रहे हैं, इसका जो टेल लैम्प है ना, वो भी आपको फुल्ली LED टेल लैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि स्पोर्टी डिजाइन देखने को मिलती है। तो इसका जो हेडलैम्प है और इसका जो टेल लैम्प है, दोनों ही आपको फुल्ली LED और साथ ही साथ स्पोर्टी लुक में देखने को मिलती है, जो कि मुझे काफी अच्छी लगती है। आप लोग को इसका टेल लैम्प और इसका हेडलैम्प आप लोग को कैसा लगता है नीचे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के सबसे स्पेशल फीचर्स के बारे में, सबसे खास फीचर्स के बारे में, जो कि TBS राइडर 125 में देखने को मिलता है। वो है इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अपना स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इस सेगमेंट के अंदर यानी कि 125cc के बाइक में आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं इसके मीटर कंसोल से, जो कि काफी अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ बात करें कि इस सेगमेंट के अंदर आप और किस बाइक में अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं, तो जो हीरो की ग्लैमर जो रिसेंटली 125 लॉन्च हुई है, उसमें आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। बाकी अदर 125cc की किसी भी बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम अभी तक देखने को नहीं मिलता है, तो इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि TBS राइडर 125 को इस सेगमेंट की अदर बाइक से खास बनाता है, जो कि मुझे इस बाइक की एक अच्छी चीज लगती है। तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो ये आप लोग को फीचर्स कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसके अगले और सबसे अच्छे फीचर्स के बारे में, जो कि मुझे इस बाइक में लगती है। तो इसमें आपको राइडिंग मूड देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इस बाइक में आपको दो राइडिंग मूड मिलते हैं, जिसमें से पहला है इको मूड और दूसरा है पावर मूड। तो अगर आप इस बाइक को इको मूड में चलाते हैं, तो इसमें आपको काफी अच्छा माइलेज भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसका जो पावर है ना, वो रिसेट हो जाता है, मतलब कि आपका जो टॉप स्पीड है, इस बाइक से आप इको मोड में नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए, आपको ज्यादा तेज चलाना है, तो आपको बाइक को पावर मोड में चलाना होगा, जिसमें आपको माइलेज थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपको पावर मिलेगा ना, आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। और अगर आपको मूड को स्विच करना है यानी कि बदलना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इंजन कूल स्विच मिलता है, वहाँ पे आपको एक स्विच देखने को मिल जाता है, यानी कि एक बटन देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप अपने बाइक के
राइडिंग मूड को चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज इस बाइक की एक अच्छी फीचर है कि इसमें आपको राइडिंग मूड देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस बाइक को इस सेगमेंट की अदर बाइक से खास बनाता है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के नेक्स्ट और सबसे अच्छे फीचर्स के बारे में जो कि मुझे इस बाइक में लगती है। तो इसमें आपको इंटेलिगो सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब बाइक को आप लोग ट्रैफिक में ले जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ही आपकी बाइक आइडियल पोजिशन पे खड़ी होती है तो आप लोग को इंजन को बार बार बंद करना होता है, लेकिन टीवीएस राइडर 125 में ये जो सिस्टम दिया गया है इसके थ्रू आप लोग जैसे ही एक्सेलेरेटर को डाउन करते हैं और आपकी बाइक आइडियल पोजीशन पे आ जाती है तो टीवीएस राइडर 125 का जो इंजन है ना वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लोग थोड़ा सा एक्सेलेरेटर लेंगे यानी कि आप लोग एक्सेलेरेटर को थोड़ा सा रफ करेंगे तो आपका जो बाइक है ना वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, जो कि इस बाइक की खासियत है इंटेलिगो सिस्टम की, जो कि आपको इस बाइक में देखने को मिलती है, जो कि इस बाइक का एक अच्छी फीचर्स मुझे लगती है। तो आप लोग को ये जो इंटेलिगो सिस्टम देखने को मिल रहा है यानी कि ऑटो स्टार्ट सिस्टम जो देखने को मिल रहा है ये आप लोग को कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, इसके अगले अच्छे चीज के बारे में जो कि मुझे टीवीएस राइडर 125 में देखने को लगती है। तो इसमें आपको यूएसबी पोर्ट चार्जर देखने को मिलता है जो कि इसके फ्यूल टैंक में देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप इस बाइक को राइड कर रहे हैं और आपका स्मार्टफोन या फिर कोई भी फोन हो आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो आप लोग इस बाइक को राइड करते हुए भी आप लोग अपने स्मार्टफोन अपने फोन को कनेक्ट करके इसके यूएसबी चार्जर से आप लोग उसको चार्ज कर सकते हैं, जो कि मुझे इस बाइक एक एडवांटेज लगता है। आप लोग को इसका ये एडवांटेज आप लोग को कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसके अगले अच्छे चीज के बारे में जो कि इसका एक एडिशनल फीचर दिया गया है टीवीएस राइडर 125 में जो कि मुझे काफी अच्छी लगती है। तो दोस्तों इसके रियर सीट में आपको स्टोरेज देखने को मिल जाता है जिसमें आप लोग चाहेंगे तो आप अपना स्मार्टफोन रख सकते हैं, टूल किट रख सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिल जाता है जो कि मुझे एक अच्छी चीज लगती है। आप लोग को ये जो स्टोरेज देखने को मिल रहा है ये आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो हो गए इस बाइक के कुछ अच्छे फीचर्स के बारे में जो कि मुझे लगते हैं, लेकिन जब तक इसके इंजन की बात नहीं हो कि ये बाइक चलने में कैसी है तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, क्योंकि अगर आप लोग इस बाइक को लेने जाते हैं तो आप लोग को ये बताना मेरा फर्ज है कि ये बाइक चलने में कैसी, इसका जो स्मूथनेस है, इसका जो इंजन है ये कैसा है, ये आप लोग को बताना मेरा फर्ज है। तो जब मैंने इस बाइक को राइड करके देखा तो मेरे हिसाब से 125 सीसी के हिसाब से इस बाइक में जो आपको पावर मिलता है, जो स्मूथनेस देखने को मिलती है वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। इस बाइक में आपको जो इंजन देखने को मिलता है वो आपको 124.8 सीसी का मिलता है, यानी कि 124.8 सीसी का इसमें आपको इंजन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो पावर देखने को मिलता है वो लगभग 8 पीएस का पावर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा पावर है। और अगर हम कंपेयर करें इस सेगमेंट की अदर बाइकों से तो इसका जो पावर है ना 125 सीसी के हिसाब से काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। अगर हम पल्सर 125 या फिर एसपी 125 से कंपेयर करते हैं तो उससे भी अच्छा इसका पावर देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफी बेहतरीन लगती है। और लास्ट में बात करते हैं इस बाइक के आखिरी और सबसे बेस्ट अच्छे फीचर्स के बारे में, तो वो है इसका माइलेज, क्योंकि अगर आप लोग 125 सीसी की बाइक ले रहे हैं तो आप लोग को माइलेज काफी ज्यादा मैटर करता है। तो आप लोग को इसका जो माइलेज मिलेगा ना वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इस बाइक को इको मोड में चलाते हैं तो ये बाइक आपको 55 से 60 का माइलेज आपको आराम से देखने को दे देती है स्टार्टिंग में, और जैसे ही आप लोग फर्स्ट और सेकेंड सर्विसिंग करा लेते हैं तो हो सकता है कि ये आपको 60 प्लस का भी माइलेज आपको आराम से देखने को दे देगी, जो कि काफी अच्छा माइलेज है। तो अगर आप इसे पावर मोड में राइड करते हैं तो भी आपको इस बाइक से लगभग 50 से 55 का माइलेज आपको आराम से देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा माइलेज है इस पावर के साथ, जो कि मुझे लगता है कि इस बाइक एक अच्छी चीज है। और अगर आप में से किसी के पास भी राइडर 125 हो और आप लोग को पता हो कि इसका माइलेज आप लोग को कितना मिल रहा है तो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के कुछ अच्छाइयां यानी कि इसके एडवांटेज की बात। अब बात करते हैं इस बाइक के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में, कुछ कॉन्स के बारे में, कुछ कमियों के बारे में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी बाइक 100% परफेक्ट नहीं होती है। अगर उस बाइक में आपको काफी सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं तो थोड़े बहुत आपको मेजर कमियां भी देखने को मिल जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं इस बाइक में कुछ मेजर कमियां जो मिलती हैं उसके बारे में जो कि मुझे लगती हैं। तो बात करते हैं इसके सबसे पहले कमी के बारे में, जो कि मुझे इस बाइक की सबसे बड़ी कमी लगती है वो है इसका फ्यूल टैंक की बिल्ड क्वालिटी, जो कि इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया गया है वो थोड़ा सा कम अच्छा है। अगर इसके फ्यूल टैंक के बीच में आपको जो प्लास्टिक देखने को मिल रहा है अगर आप उसको दबाएंगे तो ये आसानी से दब जाती है, जो कि मुझे इस बाइक का एक ड्रॉबैक लगता है। मुझे लगता है कि टीवीएस वालों को इसके बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए, इसके प्लास्टिक मटेरियल को और थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहिए, जो कि इस बाइक को और भी ज्यादा स्पेशल बना देगी। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टीवीएस राइडर 125 के अगले कमी के बारे में, तो इसमें आपको इंजन कूल स्विच देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आपको अपाचे में इंजन कूल स्विच देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको इंजन कूल स्विच देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस बाइक में भी टीवीएस को इंजन कूल स्विच दे
ही देना चाहिए था। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कमी के बारे में, तो वो है इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि इस बाइक में आपको केवल 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो कि इस सेगमेंट की अदर बाइकों से अगर हम तुलना करें तो थोड़ा सा कम लगती है मुझे। नेक्स्ट सबसे बड़े कमी की बात करें तो इसमें आपको किक देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कभी कभी ठंड के मौसम में बाइक का जो सेल्फ है ना उससे बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो अगर आपके बाइक में किक होती है तो आप लोग बाइक को किक मार के आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इस बाइक में आपको देखने को नहीं मिलती, जो कि कई लोगों के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है कि 125 सीसी की बाइक में किक नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको जो सेल्फ मिलता है ना वो अच्छा नहीं है, सेल्फ काफी अच्छा है, लेकिन अगर इसमें किक भी मिल जाती तो ये बाइक और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी इस बाइक में कमियां थी जो कि मुझे लगती है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग को लगता है कि इसके अलावा भी इस बाइक में कुछ कमियां हैं जो कि मैंने मिस कर दी हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कुछ कमियां थी, इसके अलावा बाइक काफी अच्छी है। तो अब बात करते हैं कि इस बाइक को आप लोग को लेना चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल इस बाइक को ले सकते हैं, क्योंकि ये 125 सीसी की वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, क्योंकि इसमें आपको जो माइलेज मिलता है ना वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलता है, इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, इसमें आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलता है वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसका जो पावर है ना वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग को एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि 125 सीसी की बाइक हो और आपको माइलेज भी अच्छा दे, आपको पावर भी अच्छा दे, और साथ ही साथ आपको स्पोर्टी बाइक लेनी है, तो आप लोग बिल्कुल TVS राइडर 125 को ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो दोस्तों ये थे इस बाइक की कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये वीडियो, अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी, ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप लोग को कोई डाउट हो या फिर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे कॉन्टेक्ट करना है या फिर आप लोग हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप लोग को स्क्रीन पे हमारा इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।